चिल्ड्रन वी आर स्टडिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों क्या होता है डेरिवेशन जिसका हमने प्रेशर कितना होता है एग्जर्टेड बाय द गैस, फिर उसका हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन पढ़ा था और फिर हमने उससे गैस लॉज को डेराइव किया था। इन कंटिन्यूएशन वी आर गोइंग टू डिफाइन फ्यू मोर टर्म्स, अब कुछ और टर्म्स हम जो काइनेटिक थ्योरी में यूज होती हैं उनको हम डिफाइन करने जा रहे हैं और उनका हम फॉर्मूला डेफिनेशन सब कुछ डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ टर्म्स हैं बच्चों जिनमें आता है आपका एवरेज स्पीड और इसको मीन स्पीड भी कहते हैं, मीन स्पीड। और सेकेंड टर्म है इसमें आरएमएस स्पीड और थर्ड टर्म है इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबल स्पीड। ये तीन टर्म्स है बच्चों, दीज आर थ्री टर्म्स विच वी आर गोइंग टू डिफाइन। तीनों टर्म्स को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तीनों के फॉर्मूले बताएंगे बच्चों क्या होता है। और इसमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं मीन स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज द एवरेज स्पीड, द स्पीड विद विच गैस मॉलिक्यूल मूव्स, ये वो स्पीड है जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल मूव करता है। और ये देखिए कैसे है, कौन सी स्पीड हम मान सकते हैं, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स, ओके। तो अगर हम सबका एवरेज ले लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मीन स्पीड और एवरेज स्पीड। इट इज द स्पीड with which a gas molecule moves, ये वो स्पीड होती है, ठीक है। और ये एवरेज स्पीड है बच्चों, देखिए अब कैसे निकालते हैं। अगर हम मान लेते हैं इफ वी वन कॉमा वी टू अप टू वी एन आर द स्पीड्स ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो बताइए v एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों, जिसको हम v मीन ऐसे भी लिख देते हैं, दैट इज v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम मीन स्पीड कहते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया बच्चों, ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन के टर्म्स में। एक इसमें मैक्सवेलियन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, बाय मैक्सवेलियन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं क्या फॉर्मूला होता है, और मीन स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है v मीन और जिसको हम v एवरेज भी कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 8kt अपॉन m पाई, ये फॉर्मूला होता है। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर एवरेज स्पीड और मीन स्पीड, कौन से लॉ से, बाय मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उससे ये स्पीड आता है, ये फॉर्मूला आता है बच्चों। तो ये तो हो गया मीन स्पीड और एवरेज स्पीड। Now come to RMS speed. RMS speed. RMS speed क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब देखिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द किसका बच्चों, द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका हम क्या लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर, पहले क्या करते हैं स्क्वायर, फिर क्या लेते हैं मीन, फिर क्या लेते हैं रूट, सो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। सो इट इज क्या होगा बच्चों, यहां से स्क्वायर रूट ऑफ किसका, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। वही अगर हम मान लेते हैं v1 v2 vn आर द स्पीड्स ऑफ द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, तो बताइए कितना बनेगा vrms, देन vrms पहले का स्क्वायर कर दो v1 स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर कर दीजिए तो v2 स्क्वायर, और nth का स्क्वायर करेंगे vn स्क्वायर, और इन सब का क्या लेना है मीन, मीन लेने के लिए किससे डिवाइड कर दिया हमने n, और क्या लेंगे इसको अंडर रूट स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हो गया बच्चों, जिसको हम वीआरएमएस कहते हैं। तो ये स्क्वायर रूट है ऑफ द किसका बच्चों, मीन, मीन किसका, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और इसको भी यहां से लेते हैं मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, बाय मैक्सवेलियन लॉ, इसको हम वीआरएमएस को हम डिफाइन करते हैं अंडर रूट 3kt upon m, ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3kt upon m, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ किसका, वीआरएमएस बच्चों, ये मैक्सवेलियन लॉ से बनता है।
तो जिसका फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का, ये भी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। के क्या है इसमें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। बच्चों तो के क्या है इसमें, हम के लिख सकते हैं वेयर के इज, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर एंड एम इज मॉलिक्यूल मास, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ये सेकंड हो गया बच्चों, कौन सा वाला, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कम टू द लास्ट थर्ड वन, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, देखिए मोस्ट प्रोबेबल ये होता है जब सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबकी स्पीड कैसी होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शन का की जो कॉमन स्पीड होगी, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्सिमम फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, सपोज वी हैव 10 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल इमेजिन करते हैं, इट इज, पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द स्पीड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उसके स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। देखिए एग्जांपल लेकर समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास में 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स और उनकी स्पीड मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड, 1 2 2 3 2 1 देन 5 देन 1 देन 2 एंड देन 1 3 6 3 9 और मान लीजिए ये आपका हो गया है 10। ये हो गया बच्चों स्पीड, दीज आर द डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द मीटर पर सेकंड में ले लीजिए, इतनी स्पीड्स हैं मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर किसके लिए है, 1 के लिए 1 2 3 4 एंड 5, आउट ऑफ द 10 मॉलिक्यूल द स्पीड ऑफ द 5 मॉलिक्यूल्स इज 1 मीटर पर सेकंड। इनमें से जो 5 मॉलिक्यूल है उनकी तो 1 मीटर पर सेकंड है, दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, तीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी 2 मीटर पर सेकंड है, एक मॉलिक्यूल 3 है और एक मॉलिक्यूल कितना है 5 है। तो मोस्ट प्रोबेबल कौन सा है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, कौन से वाली है, 1 है ये, देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विल बी Vmp इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो कॉमन स्पीड है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है। और बच्चों अगर मैक्सवेलियन लॉसेस का फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं, Vmp, Mp स्टैंड्स फॉर मोस्ट प्रोबेबल, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2kT अपॉन n। ये फॉर्मूला मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो बच्चों थ्री मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स, जहां कहीं हमें एवरेज स्पीड की बात करनी है, आरएमएस स्पीड की बात करनी है, या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स हैव द डिफरेंट स्पीड्स, तो उसमें से जो कॉमन स्पीड होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी, उसको हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। चलिए बच्चों एक और इसमें पाथ आता है बच्चों, एक मोर वन मोर टर्म इज देयर, दैट इज मीन फ्री पाथ, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी हम बता देते हैं। मीन फ्री पाथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या होता है, देखिए मीन फ्री पाथ ये होता है, अगर हमारे पास बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस तरह से कोई गैस है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें जब कोई एक मॉलिक्यूल का पाथ हम कंसीडर करते हैं, सपोज वी कंसीडर द पाथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल, सपोज ये मॉलिक्यूल पहले इससे टकराता है, यहां से ये मान लीजिए पाथ ट्रेवल कितना है, लैम्डा 1 है, फिर ये मॉलिक्यूल यहां से इस वाले से कोलाइड कर जाता है, पाथ चेंज हो गया, मान लीजिए कितना है, लैम्डा 2 है, सपोज फिर यहां से टकरा जाता है, ये पाथ कितना ट्रेवल किया, लैम्डा 3, फिर सपोज ये यहां पे चला जाता है, लैम्डा 4 एंड सो ऑन, एंड सपोज दिस इज लैम्डा 5 एंड सो ऑन, मींस इट हैज ट्रेवल्ड द डिफरेंट डिस्टेंसेस बिटवीन द कोलिजंस। जब ये मूव करेगा तो उसका कोलिजन होगा, तो जिस पार्टिकल से कोलिजन होगा दूसरे मॉलिक्यूल से, तो उसके बीच का पाथ मान लीजिए लैम्डा 1 है, उसके बाद फिर पाथ चेंज होगा, फिर नेक्स्ट कोलिजन तक का जो पाथ है वो लैम्डा 2 है। तो बेसिकली दिस इज द एवरेज पाथ, देखो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5, इसके जितने भी पाथ इसने ट्रेवल किया कोलिजन के बीच में, अगर उन सबका हम एवरेज ले लें, दैट विल बी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजंस, व्हिच एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। सो इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the gas molecules between the two successive collisions,
कॉलिजन्स, कॉलिजन्स ठीक है, कोई भी दो सक्सेसिव कॉलिजन ले लें, जैसे इनके बीच का पाथ बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रहा है, ये वाला पाथ हमें बड़ा दिखाई दे रहा है जब बीच में डिस्टेंस है, तो इन सबका अगर हम एवरेज ले लें तो दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो कितने टाइम के लिए फ्री रहता है मॉलिक्यूल, उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल से कोलाइड करना है, फिर फ्री पाथ ट्रेवल करेगा, फिर कोलाइड करना है, और हमने बताया था ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको काइनेटिक थ्योरी के जंक्शन के अलोंग अकॉर्डिंग क्या अज्यूम करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ अज्यूम करते हैं। तो हम अगर मान लीजिए इफ लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा एन आर द paths traveled by a molecule of the gas, molecule of a gas between the collisions, collisions कितने collisions हैं, n collisions हैं। तो देखिए lambda mean क्या आ जाएगा बच्चों, lambda mean आ जाएगा, सबको आप add करो जितने भी path length है और किससे divide कर दें, n से divide, n से हम डिवाइड कर देते हैं। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन हो गया, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा मीन कहते हैं बच्चों। और इसके लिए भी दो अलग अलग फॉर्मूले हैं हमारे पास, दो अलग अलग फॉर्मूले कौन से हैं, वो फॉर्मूले हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहे हैं बच्चों, और वो स्टार लगा के लिख लीजिए, लैम्डा मीन इज गिवन बाई दैट इज इक्वल टू के टी अपॉन अंडर रूट टू पाई डी स्क्वायर पी, एक फॉर्मूला तो ये है बच्चों, ठीक है, लैम्डा मीन निकालने के लिए। और इसमें वेयर के इज, K is Boltzmann constant, Boltzmann's constant, constant, और T क्या है इसमें, temperature, temperature, और D क्या है इसमें बच्चों, diameter of the molecules, ठीक है, और P क्या है इसमें, pressure है, एक formula तो ये होता है बच्चों mean free path का। एक और formula इसमें हम derive करते हैं second, अगर वो अलग parameters दिए हुए हैं, लैम्डा मीन इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई डी स्क्वायर एन, एक फॉर्मूला ये है। इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन अंडर दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला वेयर एन इज, इसमें देखिए बाकी पैरामीटर तो सेम है, डी है बाकी, तो एन क्या होता है, एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। अब नंबर डेंसिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला बनता है किसके लिए बनता है बच्चों, फॉर्मूला फॉर, और डी क्या है इसमें भी, डायमीटर हो जाएगा फॉर लैम्डा मीन फ्री पाथ। इफ दी पैरामीटर्स आर गिवन देन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, इफ दी पैरामीटर्स आर गिवन देन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, अदरवाइज दिस इज द पाथ लेंथ, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा फोर लैम्डा फाइव, द कोलिजन्स आर वेरी फास्ट, कोलिजन भी फास्ट होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस भी वेरी स्मॉल होगा, सो बाई दिस मेथड टू कैलकुलेट लैम्डा मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो वट कैन वी डू, वी कैन मेक यूज ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन टू फाइंड द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ हम इस तरीके से निकाल देते हैं बच्चों। ओके, तो जो फ्री पाथ का मीन होता है, फ्री पाथ का मतलब कोलिजन के बीच का जितना पार्ट ट्रेवल्ड होता है वो फ्री पाथ कहलाता है, उन सब का मीन ले लीजिए, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। चलिए बच्चों कम टू द नेक्स्ट टर्म, एक और इसमें हम टर्म दे रहे हैं बच्चों, और उसे कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एन इंपॉर्टेंट टर्म, वी आर गोइंग टू अप्लाई इन फ्यूचर ऑल्सो, इस टर्म को हम कई जगह अप्लाई करेंगे, और इसे कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब क्या होता है, देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज और दीज आर द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यूज टू डिस्क्राइब द अथर डायनेमिकल सिस्टम कंप्लीटली। क्या पोजीशन है डायनेमिकल सिस्टम की, उसकी अगर हम उसको डिस्क्राइब कर दें तो वो क्या कहलाता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलाता है। अब देखिए इसको हम एग्जांपल देकर समझते हैं क्या होता है बच्चों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। अगर हम एग्जांपल ये लेते हैं, सपोज इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग से x एक्सिस, देन इट हैज ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसका, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, कि एक ही फ्रीडम है इसकी,
क्या है फ्रीडम, क्या है इसमें, इट कैन ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस, यही इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है. सो इट हैज ओनली वन फ्रीडम, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग विच इट कैन ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कहलाएगी. ट्रांसलेशन मीन इट कैन ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक मॉलिक्यूल होगा. ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए स्पेस में ट्रेवल करता है, स्पेस क्या बल्कि एक प्लेन में ट्रेवल करता है. इफ पार्टिकल ट्रेवल्स इन स्पेस इन ए प्लेन, कर दीजिए पहले प्लेन, और प्लेन जाते हैं इधर इन एक्स वाई प्लेन, इन वाई जेड प्लेन और इन एक्स जेड प्लेन. सो इट हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसमें टू डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे. टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आ जाएंगी, द पार्टिकल कैन ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल ट्रेवलर कैन ट्रेवल अलोंग वाई एक्सिस इफ इट इज ट्रेवलिंग इन एक्स वाई प्लेन. तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, दो होंगे. और अगर ये वाई जेड प्लेन में ट्रेवल कर रहा है तो इट कैन ट्रेवल अलोंग वाई एक्सिस, इट विल कैन ट्रेवल अलोंग जेड एक्सिस. तो इस तरह से ये दूसरा एग्जांपल हो गया. और तीसरा एग्जांपल ये हुआ, इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्पेस, अगर किसी स्पेस में ट्रेवल करता है देन इट हैज थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम. जब हम स्पेस की बात करते हैं, पार्टिकल कैन गो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एज वेल एज अलोंग जेड एक्सिस, इट हैज थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, चलिए एग्जांपल लेके बताते हैं. एग्जांपल ये है, इफ ए पार्टिकल और इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. जैसे हम एग्जांपल बताते हैं एक्स एक्सिस का, एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों. अगर फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, अगर ऑसिलेटिंग और बॉब ऑफ ए पेंडुलम, ऑफ बॉब ऑफ अ पेंडुलम, बॉब ऑसिलेटिंग बॉब ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम इट हैज ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम. देखिए ये कोई ऑसिलेशंस है और यहां से ये आपका ये है बच्चों. सो इट इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस साइड और दैट साइड, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, इट हैज ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम. इट कैन ट्रेवल अलोंग विच एक्सिस, एक ही एक्सिस में ट्रेवल करेगा. अगर ये कौन से वाला है, पेंडुलम हो गया, ऑसिलेटिंग बॉब हो गया, जिसमें ये वाइब्रेट करता है या फिर ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेट केवल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा. तो ऐसे ऑसिलेट करेगा या ऐसे ऑसिलेट करेगा, सो इट हैज ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर कोई हम बी एग्जांपल ले लें, कोई इंसेक्ट ले लें, कोई इंसेक्ट है क्रॉलिंग ऑन अ फ्लोर, कोई इंसेक्ट किसी फ्लोर पे क्रॉल कर रहा है, तो क्रॉल करते हुए कितना कितना हो सकता है वो, क्या ऊपर आ सकता है, नहीं आ सकता, दो ही एक्सिस में जा सकता है, एक्स एक्सिस है और कौन सा है, वाई एक्सिस है. इट इज ट्रेवलिंग ऑन इन ए प्लेन, सो इट हैज हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे. और अगर बजिंग बी ले लें, जो बजिंग बी लेते हैं, बोलो इसमें क्या होगा, इसके लिए क्या ऑप्शन है, बजिंग बी के लिए कितने ऑप्शन है, थ्री ऑप्शन आर अवेलेबल, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस. तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे. तो इस तरह से बच्चों हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मोशन, मोशन के लिए. और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये कैसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, विच आर यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ थर्मोट ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम कंप्लीटली. इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं. इसका एक फॉर्मूला भी है, जब हम गैस मॉलिक्यूल्स पर इसको अप्लाई करते हैं, द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर गिवन बाय n इज इक्वल टू 3a माइनस r, वेयर a इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड r इज इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है. और एन क्या है इसमें, एन सो एन है इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. ये फॉर्मूला बनाया गया गैस मॉलिक्यूल्स का. अब देखिए इसको अप्लाई करके बताते हैं. फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, कौन कौन सी है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये कौन से वाली गैस होती है, मोनो एटॉमिक गैस होती है. मोनो एटॉमिक गैस के लिए तो बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी, वन, और आर कितना होगा, जीरो. जब ए की मॉलिक्यूल है, ए की एटम है, तो जब दूसरा एटम ही नहीं है तो रिलेशन कैसे बनाएगा. तो सिंगल जो एटम है उसके लिए आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, दैट इज थ्री इंटू वन माइनस जीरो इक्वल टू. तो बच्चों मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो कितने होते हैं, थ्री होते हैं. द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर थ्री फॉर मोनो एटॉमिक गैस. इसी तरह से हम ले सकते हैं फॉर डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस कौन सी होती है, H2 है, N2 है, Cl2 है, ये कैसी है, डाइएटॉमिक गैसेज है.
डाई एटॉमिक गैस के लिए बताइए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, टू। अगर दो एटम है, एक एटम ये दूसरा एटम ये, तो इनके बीच में रिलेशन वन माना जाएगा। बोथ आर कनेक्टेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो कहीं भी आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एक ही रिलेशन बनेगा। और यहां से एन अगर हम निकालना चाहें, थ्री इंटू टू माइनस वन दैट इज सिक्स, इन माइनस वन दैट इज इक्वल टू फाइव। तो देयर आर फाइव नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, पांच इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिसमें थ्री ट्रांसलेशनल हो जाएंगे और दो इसमें कैसे हो जाएंगे, रोटेशनल हो जाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें थ्री ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल एंड प्लस टू रोटेशनल, रोटेशनल, ठीक है। रोटेशनल कौन कौन से हो जाएंगे बताइए, ये एक्सिस कौन से वाला मान सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कौन से वाला है ये, जेड एक्सिस कौन से वाला है ये। अगर इसके अराउंड ये ऐसे रोटेट करे सेंटर मास इसका लेकर के, तो कौन से वाला एक्सिस के अबाउट हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट। और अगर ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो कौन से वाला हो गया ये बच्चों, रोटेशनल। तो इसमें थ्री ट्रांसलेशनल हो जाएंगे और टू कैसे हो जाएंगे, रोटेशनल। सो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर फाइव। ऐसे ट्राई एटोमिक के लिए भी निकाल सकते हैं, फॉर ट्राई एटोमिक गैस। ट्राई एटोमिक में दो स्ट्रक्चर होती है, एक तो होती है लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। अब लीनियर स्ट्रक्चर कौन सी होती है, लीनियर स्ट्रक्चर ये होती है, दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, थ्री एटम्स हैं। तो थ्री एटम्स का मतलब ए कितना हो गया, थ्री। यहां से बताओ ए कितना हो गया, थ्री। कितने इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गया, एक आर इज इक्वल टू वन और ये आर इज इक्वल टू कौन सा हो गया, टू हो गया। तो देखो दोनों का कितना हो जाएगा, अब एन कितना आएगा, तो R तो हो गया यहां से 2 और N कितना हो जाएगा, 3A माइनस R दैट इज इक्वल टू 3 इंटू, ये कितना है बच्चों, ट्राई एटॉमिक है, 3 इंटू 3 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें तो जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। और अगर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर ले रहे, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर मान लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर है, कुछ इस स्ट्रक्चर के भी होते हैं, दिस इज द थ्री ट्राइएटॉमिक गैस। और ट्राइएटॉमिक गैस में तो देखिए एन की, ए की वैल्यू तो अभी भी थ्री रहेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसमें आर कितना हो जाएगा, एक आर ये हो जाएगा, एक आर ये हो जाएगा, वन टू एंड थ्री। सो आर कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। इस तरह से ये इनके बीच का इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गया, ये देखो ये रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया, और इसको हम आर इक्वल टू थ्री कह रहे हैं। तो एन कितना हो जाएगा, थ्री इंटू ए माइनस आर, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएंगे बच्चों नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो दिस इज ए वे टू फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैसेस। इन सब के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का। तो बच्चों मोनोएटॉमिक गैस में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर। और इसमें जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डाइएटॉमिक गैस के लिए और ट्राइएटॉमिक, ठीक है। अब इसमें कई तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो कहीं आपके ट्रांसलेशनल और आपका सम ऑफ द ट्रांसलेशनल, सम ऑफ द रोटेशनल एंड सम ऑफ द वाइब्रेशनल, और ये जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बनते हैं, ये हम इस तरीके से कैलकुलेट। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स विच वी हैव डिफाइंड इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हमने स्पीड अलग अलग तरह की डिफाइन की थी। कौन कौन सी, एक बार हम समरी बता देते हैं, कौन कौन सी स्पीड। सबसे पहले हमने एवरेज स्पीड, इसको मीन स्पीड कहते हैं, फिर हमने आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, फिर हमने कौन से डिफाइन किया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसमें मीन फ्री पार्ट डिफाइन किया था, उन सबके फॉर्मूले बताए थे, उनके फॉर्मूले डेफिनेशन बेस्ड एज वेल एज फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताए थे, और लास्ट में हमने डिस्कस किया है द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये डिस्कस किया हमने, और इसको फॉर्मूला बताया इसका, और इसको कैलकुलेट करने का हमने तरीका सीखा बच्चों। तो ये सब मेथड्स हैं और इनको हम आगे यूज करेंगे, क्या कैलकुलेट के लिए, जब हम इसमें हीट्स निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट फॉर मोनो डाई और ट्राई एटॉमिक गैसेस, देन वी नीड दीज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।